वेलकम टू फाइन आर्ट विद आकाश सिंह। मेरा नाम है आकाश और आज बसंत पंचमी है, इसलिए मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना है। और आपको पता है इस दिन येलो कलर की ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं, तो आज मैं आपको एक सनफ्लावर बनाना सिखाऊंगा जो कि येलो कलर का होता है। तो लुक एट दिस सनफ्लावर जो कि आज हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें येलो कलर का पेपर चाहिए, ब्राउन कलर का पेपर चाहिए, ग्रीन कलर का पेपर चाहिएगा और ब्लैक शीट चाहिएगी। तो मैंने येलो कलर की एक पूरी शीट ली है। इसके छोटे छोटे पीस करने के लिए मैंने उसको फोल्ड किया है। आप भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे टर्न करके। इसके छोटे छोटे पीस चाहिए, अराउंड हमें 3 पेटल्स चाहिए एक सनफ्लावर्स के लिए। तो आपको जितने सनफ्लावर बनाने हैं उस हिसाब से आप पेपर के पीस लेते हैं। तो लास्ट साइज़ अपनी इतनी होनी चाहिए। अब इसको बिल्कुल फोर कॉर्नर है उसको इक्वल करने के लिए मैंने सेंटर में से फोल्ड किया है। आप भी इस तरीके से सारे पीसेस को फोल्ड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए पेंसिल से निशान लगा के उसको विद द हेल्प ऑफ सीजर हम कट कर देंगे। इस तरीके से सबको फोल्ड कर लेंगे। थर्ड वन ये मैंने फोल्ड कर लिया, इस पे भी मार्क कर लिया, इस लास्ट ये मार्क हो चुका है। तो अब जो ये एक्स्ट्रा पेपर है इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब जो लास्ट में है इसको भी कट कर लिया एंड लास्ट वन। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये बिल्कुल इक्वल साइज का पेपर हमारे पास है। और ये इसकी साइज़ आप मेजरमेंट कर सकते हो मेरे थंब से और फिंगर से कितना छोटा पेपर लेना है। अब इसको इक्वली 2 पार्ट्स में फोल्ड किया, फिर 4th पार्ट हो गए। अब इसको बिल्कुल सेंटर में से डिवाइड करके इसके ऊपर पेंसिल से हम पेटल की ड्राइंग करेंगे। आप इस तरीके से 3 फोल्ड करोगे क्योंकि हमें 3 पेटल्स चाहिए होंगे। आपको 3 फोल्ड करने हैं, ये 2 हैं, आपको 3 करने हैं। ओके, इसके ऊपर मैंने ड्राइंग कर ली। सेंटर में से नीचे की तरफ से स्ट्रेट लाइन करके इस तरीके से सर्कल में ड्राइंग करनी है। ये हो चुका है। अब जिधर ड्राइंग करी है उसको सीजर की हेल्प से उसी पार्ट के ऊपर सीजर चलानी है। ये अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपके पास 3 पेटल्स आ जाएंगे। थ्री फ्लावर्स आ गए। अब ये फ्लावर्स के जो पेटल है इसको भी सेंटर में से फोल्ड करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इक्वली फोल्ड करते जाएंगे। नाउ 1 by 1 We will fold it. ऐसा करने से हमारा जो सनफ्लावर है वो 3D लुक देगा, एक तरीके से फ्लैट नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम ये करेंगे। जो तीनों फूल हैं, तीनों जो फ्लावर्स हैं, उन तीनों को ही करना है। ये एक हो गया, बाकी आप कर लेना। अब जो फर्स्ट वन है उसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल आना चाहिए जैसा कि आपको दिख रहा है। और थंब फिंगर से प्रेस कर देंगे ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। अब इस पे 3rd वन प्लेस करेंगे और जो 2 पेटल्स हैं उनके बीच में आना चाहिए। अब सेंटर में मैंने प्लेस किया है, देखिए आप इसको भी प्रेस कर देंगे थंब से। यस, इसके बाद नीचे की स्टिक बनाएंगे। इसके लिए जितना बड़ा फ्लावर्स है उसके मेजरमेंट के हिसाब से हम स्टिक रेडी करेंगे। और ये ब्राउन पेपर लिया है मैंने इसके लिए। अब इसको फिंगर के ऊपर थोड़ा सा वजन दबा के इसको प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल टाइट बने। अगर लूज होगा तो वो खुल जाएगा। और इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वाला, इसके ऊपर फेविकॉल लगा के इसको प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। ये हमारी स्टिक रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए एक सर्कल
ब्लैक शीट से ढक्कन या कॉइन की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करके इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। यस, जैसा आपकी आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से करते जाइए। अब जो ये सर्कल है इसको सनफ्लावर्स का जो लीफ पेटल्स थे उनके सेंटर में प्लेस करना है फेविकॉल से। इस तरीके से प्रेस प्लेस कर देंगे। अब ये हो चुका है। अब जो स्टिक है उसको आगे से प्रेस करके इसके अंदर फेविकॉल से प्लेस करेंगे। फेविकॉल लगा लिया मैंने स्टिक पे। यस, इसको भी टू पेटल्स के बीच में करना है। अब लीव्स बनाएंगे। दो लीव चाहिए तो दो बार फोल्ड कर लेंगे। लीव्स की साइज सनफ्लावर्स के इक्वली होनी चाहिए। ज़्यादा लीव्स बड़ी भी नहीं होनी चाहिए ना ही स्मॉल होनी चाहिए। तो सबसे पहले ड्राइंग कर लेंगे लीव्स की ड्राइंग। और जो ड्राइंग है उसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। यस, इस तरीके से जैसा वीडियो में दिख रहा है ऐसे कट कर लीजिए। और अब जो ये लीव्स आ गई है हमारे पास, इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। अब लीव्स को सेंटर में से इक्वली फोल्ड करेंगे ताकि 3D लुक आ जाए, जैसा कि वीडियो में मैं कर रहा हूँ। ऐसे करते जाएंगे आप भी। अब इससे ये 3D इफेक्ट आ रहा है इस पे। इस लीफ को और ज़्यादा 3D देने के लिए इसके ऊपर ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर से हम सेंटर में ड्राइंग कर लेंगे। इस तरीके की टेक्सचर जो होता है लीफ का, वो टेक्सचर्स दे देंगे इसमें। नाउ इट्स कंप्लीट। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे फेविकॉल लगा लेंगे और उन्हें प्लेस कर देंगे। यस, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब ये हमारा सनफ्लावर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जो ब्लैक पार्ट है वो बिल्कुल ब्लैक है। उसके ऊपर ग्रीन कलर का, आप ग्रीन कलर का कोई कलर ले सकते हैं या फिर स्केच कलर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डॉट डॉट कर देंगे। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, इस तरीके से कर लीजिए। इससे थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। आप स्केच कलर, पेंसिल कलर या फिर कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं।